हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं रतन। आज आप लोगों को मैं देख सकते हैं इमरजेंसी लाइट रिपेयर करने बताऊंगा। जो आप लोग देख सकते हैं ये इमरजेंसी लाइट है, जो इसमें दो तीन प्रकार के आते हैं प्रॉब्लम। जैसे एक हो गया आपका, जैसे जल रहा है लेकिन बैकअप नहीं दे रहा है, और एक चालू ही नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा लाइट चालू हो रहा है। दोस्तों सब प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है ज़्यादा कुछ। मैं दिखा देता हूँ आज, इसमें बहुत ही कम चीज़ होते हैं, आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं घर में। चलिए तो अब इसको हम लोग बनाना आज स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयर ही करेंगे दोस्तों आज। लाइट तो जल्दी से ख़राब होता नहीं है, तो क्या ख़राब होता है अंदर में? चलिए सर्किट ख़राब होगा तो भी सर्किट का मैं उपाय बता दूंगा कैसे सर्किट लगाना है, और बैटरी ही ज़्यादा ख़राब होता है। चलिए बैटरी ख़राब होता है कि सर्किट, चलिए इसको वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल में नया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्त इससे पहले दोस्तों नीचे यहाँ नट जितना है वहाँ नट को खोल लेना है। मैं कुछ नट खोल लिया था आप लोगों को दिखाने के पहले, ये इसको खोल लेना। कुछ कुछ नट मैं खोल चुका था इसको यहाँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है इसलिए अच्छा नहीं लगता। इसे आगे खोल लिया था मैं नट लोगों को, कुछ कुछ नट को रखा था मैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये खुल गया है। ये पीछे से खुलते हैं, जितना भी नट है ना टोटल ऑटोमेटिक खुल जाता है। यहाँ से ये खुल गया, तो ये हर साइज़ के अलग अलग साइज़ का आता है। जैसे किसी में 6 बैटरी लग रहता है, मतलब ये जो लाइट है ना, लाइट के ऊपर बैटरी लगा जाता है। छोटा लाइट है, कम लाइट है, इसलिए 3 बैटरी लगा, और ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक और ज़्यादा बैटरी लग जाएगा। तो बैकअप नहीं देता है, मैं अभी बैटरी इसको बदला था, बैकअप नहीं देता है ना, तो क्या करेंगे? बैटरी को खोलना, इसको बजा के देखना, देखिए बज रहा आवाज़, मतलब ये बैटरी ख़राब है। अब सब बैटरी को खोल खोल के देखना, तीनों बैटरी मेरा बज रहा था और बैकअप नहीं देता था। चला लगाता था आधा 1-2-3 घंटा लगाता था, उसके बाद फिर चार्जिंग तो 1-2 मिनट चलता था, फिर बुझ जाता था। तो आपका बैकअप नहीं दे रहा है या बैकअप आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बैटरी लगा लीजिए। आपको जगह है जितना भी, ये दोस्तों पैनल में लगता है ना, पैनल मतलब सीरीज सीरीज और पैनल, एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए पैनल में ये प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, और ये इसका प्लस, इसका प्लस, सब पैनल में। पैनल का मतलब ये होता है, 4 वोल्ट का है तो 4 ही वोल्ट रहेगा, सीरीज रहता तो 12 वोल्ट बन जाता है। ये पैनल में है, ये खाली एमएच बढ़ाता है, मतलब एम्पियर एमएच, उसका क्षमता मतलब जो कितना देर तक ये रह सकता है खाली वही बढ़ाता है। तो आप जितना बैटरी लगाएंगे सबको सीरीज में, सॉरी पैनल में लगाना है सबको, तो इसका आपका जितना देर तक है और देर तक चलेगा। बात हो गई बैटरी ही ख़राब रहता है, मैं 70% बैटरी ख़राब रहता है। तो आप इस हिला के देखना तो कुछ कुछ देखिए यहाँ से बजना लगेगा आपको, ये बजता है तो मतलब 100% आपका बैटरी ख़राब है। तो बैटरी को ये 30 से 40 रुपये का एक बैटरी पड़ता है, आप लोग एमएच के हिसाब से बैटरी मिलता है, तो आप लोग जाके एमएच के हिसाब से बैटरी ले सकते हैं। तो बैटरी का हो गया, और सर्किट जल्दी से ख़राब नहीं होता, ख़राब होता है तो कुछ भी कैपेसिटर फटता है ना दोस्तों। जो सामने में 4007 का डायोड लगा रहता है तो चारों डायोड को बदल देना, 1-1 रुपया डायोड पड़ता है, उससे ज़्यादा महंगा नहीं रहता। चारों डायोड को बदलना, कैपेसिटर बदल देना, पीएफ जल्दी से फटता नहीं है, फटता तो आपको मार्केट में ये मिल जाएगा, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, और उसमें कुछ है भी नहीं, और इतना ही रहता है बस। और लाइट ख़राब होता है तो लाइट भी मिल जाता है, लाइट भी मार्केट से आप लोग लेके आके लगा सकते हैं। तो इसमें और कुछ चीज़ बता नहीं दोस्तों, आप लोग एक बार घर में खोलिए। आप लोगों को दिक्कत होता है कि एमएच नहीं दे, मतलब देर तक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो बैटरी ही ख़राब होता है। 70% मैं जितना बनाया हूँ आज भी, ये बैटरी ही लगाया हूँ मैं, बैटरी 2 बैटरी लगाया हूँ, 2 बैटरी ये ख़राब था, 1 बैटरी सही था। ये वाला और ये वाला बैटरी को लगाया हूँ, ये पुराना बैटरी है, तो बैटरी ही ख़राब था। 1 बैटरी फेंका के थोड़ा ज़्यादा था, बज ही नहीं रहा था। ये देखिए बज रहा है, मतलब ख़राब है बैटरी 100%। आप लोग अपना जो है आप उसको खोल के देखिए, एक बार करके देखिए, आप लोगों को नहीं रिस्पॉन्स नहीं समझ आता, नहीं बनता तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो आपको कैसा लगे वीडियो, और इसके टाइप में कुछ रिपेयरिंग के बारे में बताऊँ तो उसमें और कुछ आपको देना होगा कि ये ऐसा और कुछ बताइए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और कुछ बता दूंगा। तो वीडियो में लाइक कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने कीमती टाइम देने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।